ऑपरेशन खाकी का असर दिखने लगा है। देश भर में ऑपरेशन खाकी के बाद हड़कंप मच गया है। महिला आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने भी इस ऑपरेशन को देखा है। ऑपरेशन खाकी के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। जिस तरह से कुछ वर्दी वाले जज्न पड़ोसी को बढ़ावा देते हुए संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भूमिका की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR। दिल्ली पुलिस जिसको कुछ वर्दी वालों ने दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है, गृहमंत्री शिंदे से सवाल पूछा है। ऑपरेशन खाकी के बाद देश भर में हड़कंप है। जिस तरह से कुछ पुलिस वाले कैमरे में नजर आए हैं, वर्दी वालों ने अपनी खाकी को शर्मसार किया है। जो शपथ उन्होंने वर्दी पहनते वक्त ली थी, उस शपथ का भी उल्लंघन किया है। इस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग ने कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी पार्टियों आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस मामले में गृह मंत्री से जवाब मांगा है। ऑपरेशन खाकी जिसमें पुलिस वाले जज्न पड़ोसी को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लैग दिलाने की बात कर रहे हैं, लड़कियां तक मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, और ये सब कुछ कैद हुआ है लाइव इंडिया के कैमरे में। कुछ पुलिस वालों ने पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार किया है। दिल्ली पुलिस जो कि दिल्ली की सबसे प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है, उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लाइव इंडिया के कैमरे में कैद हुए दिल्ली पुलिस के घिनौने सच ने गृह मंत्रालय के भी होश उड़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। हम आपको दिखाते हैं लाइव इंडिया के ऑपरेशन खाकी के बाद गृह मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी। यह गंभीर मामला है। हमने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बाद जरूरत होने पर इसकी जांच के भी आदेश देंगे। गृह मंत्रालय ने इस पर जांच की बात कही है। उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है जो कि शर्मसार करते हुए नजर आ रहे हैं, वर्दी को दागदार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के PRO राजन भगत साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन भगत साहब, ऑपरेशन खाकी के जरिए दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी नजर आ रहे हैं जो कि दलाली को बढ़ावा देते हुए जिस्म परोशी के लिए फ्लैट मुहैया कराने, लड़कियां मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? ये जो आपके चैनल ने जो ये खुलासा किया है, इस खुलासा करने के लिए हम आपको बधाई देते हैं। ऐसे लोगों का आपने बेनकाब किया है। दिल्ली पुलिस ऐसे कार्रवाई की करने वाले लोगों के लिए भर्त्सना करती है और हम क्रिमिनल केस रजिस्टर करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको भागे इनकी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर भगत साहब, आपको कितना समय लग जाएगा कार्रवाई पूरी करने में? कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 महीने बाद ये वॉश ऑफ हो जाए। मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जब तक आपकी प्रोग्राम खत्म होगा उससे पहले केस रजिस्टर हो चुका होगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR बकायदा कानूनी प्रावधानों के तहत करके सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपने कहा क्रिमिनल केस रजिस्टर करेंगे, क्या आप इनको सस्पेंड या डिसमिसल की भी करेंगे बात? सस्पेंड और डिसमिसल वो जब गिरफ्तारी होती है उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है, वो पूरी प्रक्रिया होगी। हम तो ये कह रहे हैं सस्पेंड और डिसमिस से आगे जो एक कानूनी एक आपराधिक इनको मानते हुए हम आपराधिक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कर रहे हैं और अब उसकी कार्रवाई करेंगे। आप पूरी डिटेल हमें दीजिए, हम आपसे शाम से मांग रहे हैं डिटेल। हम आपकी सिर्फ इसकी वेट कर रहे थे डिटेल की, और केस का रजिस्ट्रेशन जो है उसमें पूरा निर्णय ले लिया गया है और ये जब तक आपका कार्यक्रम खत्म होगा तब तक हम FIR रजिस्टर कर देंगे। थोड़ी देर में भगत साहब आपको पूरी डिटेल पहुंच जाएगी। लाइव इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार चंदन। तो राजन भगत दिल्ली पुलिस के PRO जिन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और न सिर्फ सस्पेंशन बल्कि कानूनी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है। लेकिन प्रबल सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस को आखिरकार ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की ही जरूरत क्यों पड़ती है? दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद ही इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या वाकई वो अनजान है या फिर जानबूझकर बचाने की कोशिश होती है? नहीं देखिए, दो इसमें मेरी राय जो है वो बहुत साफ है। एक रैकेट जरूर है दिल्ली पुलिस में, एक इस तरह का रैकेट है जो कि वो पूरी दिल्ली पुलिस में ही नहीं, अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो दूसरे तरह के रैकेट आपको नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस में एक अफसरों का एक अधिकारी का एक रैकेट जरूर है जो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये बहुत बड़ा जिसे कहें एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है, इसमें पैसा बहुत है लेकिन कानून बहुत लचर है। आप आज गिरफ्तार करेंगे एक घंटे के अंदर जमानत मिल जाएगी, लेकिन जो इसमें रिटर्न आता है, जो मॉनेटरी गेन होता है उस अधिकारी को जो इसको बढ़ावा देता है
होता है वो सबसे अधिक इसी तरह के रैकेट को प्रश्न देने में मिलता है। एक तो ये वजह है कि जो दिल्ली पुलिस के जो भी नीचे के अधिकारी हैं वो इस तरह के रैकेट को अंजाम देते हैं और इससे खूब पैसे कमाते हैं। अब रही बात दूसरी, वो कहते हैं कि हफ्ता बंधा हुआ है। यहां पर यह सवाल उठता है कि जो हफ्ता बंधा हुआ है क्या यह हफ्ता उसी सब इंस्पेक्टर या चीफ कांस्टेबल या उस एसएचओ तक की सीमित है या वो हफ्ता उन सारे अधिकारियों तक जाता है। ये जो इसकी लिंक है, चेन है, वो भी हम नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। आगे अगर जरूरत हुई हम उस लिंक को भी इस्टेब्लिश करेंगे, तब हम इस स्थिति में होंगे कहने में कि पूरे अधिकारी भी इसमें शामिल है। गौतम कौर साहब, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे, क्या ये सिर्फ निचले अधिकारियों तक ही शामिल है या फिर आप लोगों की जानकारी में कुछ बड़े अधिकारियों के भी नाम आए जो कि खुलासा जिनका नहीं हो पाता है? कभी कभी देखा गया है कि मध्य वर्ग के जो है ऑफिसर वहां तक जो है ये शय मिल जाती है, पर तो ज्यादातर जो है ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और थाने के अंदर ही अंदर जो है ये इस तरह की हरकतें जो हैं ये प्लान होती हैं, उनको बदमाशों की जो है शय मिल जाती है। जैसे कि इस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी एक मिसाल सी है और एक दुखद घड़ी है दिल्ली पुलिस के लिए भी। बिल्कुल, एक सवाल है कौन साहब, आपसे सवाल है, आपने कहा कि थाने तक ही सीमित हो जाती है ये बात, जी हाँ, लेकिन ये जो पैसा है क्या आपको लगता है पैसा भी थाने तक ही सीमित है या ऊपर तक जाता है? नहीं तो बात तो पैसे की ही है। ये जो है ये धंधे में एक मैं ये कहूंगा कि जो बदमाश पुलिस अफसर हैं या जो भी कांस्टेबल हैं या और महताज हैं ये पैसे के लिए ही कर रहे हैं, किसी अपने मन बहलाव के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या वो पैसा केवल वही कंज्यूम करते हो, पैसा उसका हिस्सा ऊपर तक भी जाता है? मैंने पहले कहा कि जो ज्यादा जो है इस तरह का जो ट्रेंड है वो थाने तक ही सीमित है, पर कभी कभी देखा गया है कि मिडिल लेवल में भी ये जो है इस तरह का शेयर जो है वो पहुंच जाता है, पर वो डिमांड पे पहुंचता है, वो इस तरह का तोहफा नहीं होता। और जब इस तरह से होता है तो फिर बाद में सीबीआई ने भी जो है वो अपनी नजर इन पर रखी है, इनको जो है सजाएं दी गई हैं और इनके एक दो केसों से मैं जानता हूं कि इनकी नौकरी भी चली गई है। सोमनाथ भाटी साहब क्या कहेंगे इसको, आपको जोड़ना चाहेंगे? 49 दिनों में कुछ पता चला था कि कहां कहां तक पहुंचता है पैसा? देखिए साहब, इसका पैसा तो बहुत ऊपर तक पहुंचता है, उसका कहना है कि इसका पैसा गृह मंत्रालय तक पहुंचता है और उसके भी वहां पे ऑफिसर्स ने वो जानकारी दी। मैं इसकी और इसमें ऐड करना चाहता हूं, राजन भगत साहब कह रहे थे एफआईआर दर्ज होगा, इनको इस वक्त इन सबके मोबाइल फोन को जब्त करना चाहिए, इन्हें घर पे रेड मारनी चाहिए और डिस्प्रोपोर्शनेट असेट आपको मिलेगा, आपको इनके घरों से मिलेगा। मोबाइल फोन से आपको मालूम पड़े इनका नेटवर्क कहां तक है, अगर मोबाइल फोन से रिकवर इमीडिएटली नहीं करते हैं, सीज नहीं करते हैं, तो ये वो मौका चूक जाएंगे, ये जो आपके पकड़ में आए हैं उनका नौकरी चला जाएगा। आप लोगों की तरफ से जो पहल की जाएगी इस मामले में कुछ, लेकिन ऊपर के लोग नहीं की जाएगी, आला अधिकारियों से क्या कह रहे हैं, कुछ मुलाकात की जाएगी आला अधिकारियों से, गृहमंत्री से मिलकर कार्रवाई की बात करेंगे? मैं तो इसको बड़े अच्छे तरीके से उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरी नजर में, राजन भगत साहब की नजर में होना हो, कौल साहब की नजर में होना हो, लेकिन मेरी नजर में ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश अपने माँ बहन बेटी की सुरक्षा का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है जो आपने अनर्थ किया है आज, और इस अनर्थ को अगर इन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करी तो जो इसका असली मुजरिम है, जहां तक पैसा पहुंच रहा है जैसे कि परोल साहब कह रहे थे, वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। इनके मोबाइल फोन को जब्त करें तुरंत, इनके घरों पर रेड मारे तुरंत और सब कुछ जब्त कर लीजिए। अगर आप बाकी में काम करना चाहते हैं तो जब्त करके दिखाइए। इतनी फौरन कार्रवाई हो सकती है? प्रबल, जो बातें सोमनाथ भारती कह रहे हैं क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इस तरह के आरोपों में कहीं ना कहीं जो जिस पड़ोसी को न सिर्फ संरक्षण बल्कि शुरुआत करके पूरा एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो संगठित अपराध की श्रेणी में आता है क्या? देखिए ये चंदन, अगर आप इस संगठित अपराध को पूरे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो ये केवल 4 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। फिर इस बात का भी दिल्ली पुलिस को पता लगाना चाहिए कि आखिर इस संरक्षण के पीछे है कौन, क्या इस संरक्षण के पीछे केवल एसएचओ है, क्या इस संरक्षण के पीछे वहां का एसीपी है, क्या इस संरक्षण के पीछे डीसीपी है, क्या ज्वाइंट सीपी है, या कौन सा नेता है? अगर आप चाहते हैं कि समस्या इस नासूर, अगर नासूर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसके तहत जाना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि आज 4 हमने पकड़े, कल हम कोशिश करेंगे,
फिर दो चार लोगों को हम कोशिश करेंगे भाई समाज की जो खामियां उसको दूर करने के लिए पकड़े, तो पूरी समस्या तक हम नहीं जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उनकी बात में यहां तक दम है कि तहकीकात हो और तहकीकात पूरी तफसील से हो और उसकी तह तक जाया जाए कि आखिर क्या वजह है कि ऑर्गेनाइज रैकेट दिल्ली पुलिस के लोग चला रहे हैं। जी असल एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर के दौरान कि पुलिस वाले अब जो महिलाएं इसमें शामिल होती है उन पर कार्रवाई करने के बजाय जो पिंप इसमें शामिल होते हैं या फिर जो लोग इसको संरक्षण देते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उसका मकसद बताया गया था, आला अधिकारियों को मालूम था कि पुलिस वाले ऐसे मामलों में उगाही करते हैं, जिस्म फरोशी में शामिल लोगों से उगाही करते हैं, आला अधिकारियों को यह मालूम है। हाँ मैं वही कहता था कि आला अधिकारियों को इस बात का हो सकता है जानकारी रही हो और हो सकता है उनके पास उस तरह के सबूत न रहे हो, तो जानकारी उनके पास थी और उस जानकारी पे कार्रवाई करने की बात कही गई। यहाँ तो सब कुछ आपके सामने है, वो लड़की आज बैठी हुई है, वो कह रही है भैया हमें जतिंदर से मिला दो, अरविंदर से मिला दो, किससे मिला दो, और इसका सवाल आरके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व गृह सचिव और अब बीजेपी नेता है आरके सिंह जी। ऑपरेशन खाकी हम लोगों ने लाया है जिसमें कुछ पुलिस वाले जिस्म फरोशी को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपकी जानकारी में भी ये बात आई थी जब आप पद पर थे? जी ना, ये बात हमारी जानकारी में नहीं आई थी, और मेरा तो मत है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबको सेवा से बर्खास्त नहीं करना चाहिए, हमको लगता है कि उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ये कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप भी हैं। प्रबल, आरके सिंह जी कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। नहीं आरके सिंह, मैं मेरा आपसे सवाल ये है कि एक बात लगातार एक आरोप लगाती थे दिल्ली के लॉ में, उसको पूरा कहिए। मैंने कहा कि हमारे रहते हुए ये हमारी जानकारी में नहीं लाया गया, लेकिन सिंह में जो लोग पकड़ाए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी, उनको सेवा से निकाली जानी चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए जी। जी मेरा आपसे सवाल है, हो सकता है दिल्ली पुलिस की जानकारी आपके पास ना आई हो, क्या इस तरह के आपके पास कोई रिपोर्ट कभी नहीं आई कि पुलिस के लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज रैकेट चलाते हैं? जी ना, जी ना। अगर आती तो आप मानिए प्रवल जी कि जिसके बारे में आती अगर ये दिल्ली पुलिस पर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय के द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं होती तो गृह मंत्रालय का उन पर कार्रवाई हो, उनको डिसमिस किया जाए। जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती भी मौजूद है। सोमनाथ जी, आपने आरके सिंह जी का जवाब सुना, आप क्या कहेंगे? तो आरके सिंह का जवाब इनको निकाला जाए और इन पर मुकदमा भी चलाया जाए। जी आप पूछिए आरके सिंह साहब, आपने जब 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 आप सरकार से निकल के बीजेपी ज्वाइन किया था तो आपने आरोप लगाए थे कि शिंदे साहब जो है सीट पहुंचती है उनके पास, कौन से स्थितियों पे कितना कितना पैसा किसका लगेगा ट्रांसफर करने के लिए, आपने ढेर सारे ऐसे जाम लगाए थे। मुझे लगता है कि आप आज के तारीख में चूंकि बीजेपी में, और अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि आपके समय में आपको जानकारी इसकी थी तो आपके ऊपर आपके पार्टी के ऊपर अगली उठेगी, इसलिए आज आप नहीं बताते, नहीं तो इतना बड़ा रैकेट जिसमें कि वो हेड कांस्टेबल कह रहा है कि 14-15 साल से एक तरह हमको साहब 14-15 साल से आरके सिंह जी सोमनाथ भारती जी ने यह सवाल पूछा है आपसे कि अगर ऐसी कोई बात हमारे जानकारी में आता तो जो भी पुलिस वाला रहता उसका तो मैं गला काट ही देता, ये तो आप मान के चलिए। और ये आज मैं शुरू से ऐसे करते आ रहा हूँ कि जो भी थोड़ा गोलमाल करता है या घुसखोरी करता है या भ्रष्टाचार करता है उसको तो मैं छोड़ता नहीं। जी राजवीर सिंह जी कह रहे थे जो कि हेड कांस्टेबल है कि 15 साल से ये काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो कि डायरेक्टली आपके अंडर आता है, अगर वो आदमी एडमिट कर रहा है ऑन रिकॉर्ड आज कि 15 साल से वो ये काम कर रहा है तो ये तो बड़ी गजब की बात है कि आपका नाक के नीचे ऐसा काम हो रहा आपको पता ही नहीं है। बीच में कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसके वो काम करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत, आज गृह मंत्रालय तो चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी, गृह मंत्रालय के तो बासठ सब लोग सभी यूनियन टेरिटरी आती है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए आरके सिंह जी। आरके सिंह जो कि पूर्व गृह सचिव हैं और बीजेपी नेता हैं, उनका यह कहना है कि इस मामले में उनके कार्यकाल के दौरान कोई जानकारी नहीं आई थी, वरना पूरी कार्रवाई जरूर की गई होती, लेकिन अब ऑपरेशन खाकी में जो तस्वीरें एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं पुलिस वाले बेनकाब हो रहे हैं, और बेनकाब हो रहे हैं कुछ इस अंदाज में कि शर्म आती है, हैरानी होती है और सवाल उठता है मन में कि क्या दिल्ली पुलिस के कुछ लोग पूरे इस महकमे को बेनकाब कर रहे हैं और पूरी तरह से बदनाम कर रहे हैं।